Assalamualaikum, Namaste, Sastri Akal. Welcome back to your own YouTube channel. This is me, Saima Pirzada, and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं, एक वीडियो जिसमें इंडियन रेलवे जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करने जा रही है. और इसमें बेसिकली वो जो है पटरियों से कहते हैं कि इंडियन रेल जो है आत्मनिर्भर, आपने सुना ही है कि अपनी कंट्री में खुद ही कुछ ऐसा करना, मेक इन इंडिया लाइक, तो इस तरह का कुछ है कि रेलवे से और रेल की पटरियों से आप इलेक्ट्रिक सिटी इंडिया बनाने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज है. सो देखते हैं कि भाई रेल की पटरियों से किस तरह से इलेक्ट्रिक जो है वो निकाली जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है. सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकेंगे. और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव्स अब खुद से बिजली बनाना शुरू कर चुके हैं. और ना सिर्फ बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि उसे ग्रिड में भेज करके प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है. तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जहां पर रेलवेज के 267 यानी 267 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अब खुद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर चुके हैं, जो पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है. दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय रेलवेज की कई सारी ट्रेन 70 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई जा रही हैं. ऐसे में रेलवेज का ये प्रोजेक्ट काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम पर, जहां पर डेस्टिनेशन के पहुंचने से पहले 40 किलोमीटर दूरी पर ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद ट्रेन के व्हील्स में लगा हुआ जनरेटर या फिर कहें अल्टरनेटर रिवर्स सेक्शन में घूम करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम शुरू कर देता है, और इसे OHE के माध्यम से ग्रिड में वापस सप्लाई कर दिया जाता है. और इस प्रोसीजर में जैसे ही ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, OHE से आने वाली सप्लाई को रोक दिया जाता है और आउटगोइंग सप्लाई का प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है. रेलवे के इस प्रोजेक्ट को अगर सपोर्ट किया जाए तो यहाँ पर 76 यानी 76 यात्री ट्रेन है और 191 यानी 191 मालगाड़ियां शामिल हैं, जो ब्रेकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रही हैं. इसके कई और बड़े फायदे हैं. सबसे बड़ा पहला फायदा है कि पहिए घिसते कम हैं, दूसरा इंजन गर्म नहीं होता है, और इसके लिए एक लोकोमोटिव अपनी 10 से 14% इलेक्ट्रिसिटी खपत को आसानी से प्रोड्यूस कर पा रहा है. आने वाले सेक्शन में भारतीय रेलवे के सभी प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जो रेलवे की अच्छी खासी कमाई बचाने वाला है. और इसके अलावा रेलवे के कुछ ऑफिशियल का कहना है कि लगभग 36 करोड़ रुपए की बिजली बचाई जा चुकी है, वो भी अप्रैल से जून के बीच में. तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेलवे का कितना बड़ा फायदेमंद प्रोजेक्ट होने वाला है. वहीं अगर हम रेलवे इंजन के बारे में बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस लगभग 13,250 यूनिट बिजली खर्च करके अपनी दूरी को कंप्लीट करती है, और इसमें से लगभग 1600 यूनिट यानी कि इसका 12% वो जनरेट कर लेती है. इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिल्ली से प्रयागराज तक के बीच में लगभग 14,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करती है, और इसका 14% यानी कि लगभग 1900 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. भारत में एक लोकोमोटिव की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास होती है और इनकी उम्र 35 से 36 वर्ष होती है. रेलवे ने अभी तो सिर्फ 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की है, और आने वाले टाइम में इससे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. तो दोस्तों, रेलवे के इस अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. मिलेंगे हम आपको एक नई और वीडियो. और इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से जो है ना भारत में अब ट्रेन को, जो ट्रेन की पटरियां हैं और ट्रेन है, उनसे फायदा उठाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक सिटी बनाने के लिए. और इससे पहले आप मतलब कितनी चीजें हैं उससे ऑयल वगैरह, और फिर आप देखो शुगर कैन से यूज करके कितनी चीजों को आगे एथेनॉल ऑयल बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी एक मतलब कि स्टेप होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो लोग इस तरह से स्पेशली जो ट्रेन हैं उनसे जो है वो इलेक्ट्रिक सिटी, मतलब ट्रेन की जो पटरियां उनसे इलेक्ट्रिक सिटी जो है वो मतलब ले सकेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. और आई थिंक इससे आने वाले वक्त में जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और लोगों को भी जाहिर सी बात है फायदा तो होना ही है.
और क्या कहते हैं कि इंजीनियर्स को भी वैसे सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, डायनामो को वाइल रनिंग। तो अब यही है कि इंसान मतलब कि जब दिमाग हो तो हर चीज हो जाती है। अब बस ये है कि काम करने वाला अगर रिसर्च करे तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और आई थिंक कि इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो इंडिया में जाती नहीं है, अभी बिजली तो वैसे ही नहीं जाती है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ हो जाता है और आने वाले वक्त में वैसे ही आपको पता है किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक पे कार्स चलने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है सब सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंज्यूम भी होना है, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जितनी ज्यादा सेफ होगी, जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा जो है वो पब्लिक के लिए सही रहेगा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। और आई थिंक कि जितने भी रेलवे और रेलवे की पटरियों, ये जितना भी रेलवे सिस्टम है, इससे फायदा उठाना चाहिए। और इट्स अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इस बात पे मतलब कहूँ तो ये मुझे लगता है कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है इंडियन रेलवे की तरफ से कि वो एक प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कि बिजली, वो भी अपनी ही इस पटरियों में से, अपनी ट्रेन्स में से, जो कि 100% जो है इससे जो है वो लोगों को फायदा होगा। और जो है वो इंडिया वैसे इतना ग्रो कर ही रहे हैं इन सारी चीज़ों में, और इसी को देखते हुए और भी कंट्रीज जो है देखना अब इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। और आपको पता है मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में तो वैसे बहुत ज़्यादा ट्रेन्स भी चलती हैं। आप सोचो जितनी ट्रेन्स चलती हैं, जितनी इनके पास पटरियाँ मौजूद हैं, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ट्रैवल ट्रेन में किया जाता है तो वो इंडियन रेलवे है, क्योंकि इंडियन रेलवे से इनको जितना सरमायाकारी मिलती है, जितना पैसा मिलता है, उतना पैसा आई डोंट थिंक कि किसी और कंट्री को ट्रेन से और रेलवे से मिलता होगा। एक तो ये फायदा हो गया, और दूसरा ये है कि उसी को ही रीयूज करके ये लोग उनसे चीजें निकलवाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई ना। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लगा, खुशी होती है इस तरह से ही बस डेवलपमेंट करते रहे। अब एथेनॉल ऑयल के बाद जो है पेट्रोल वगैरह पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको पहले से ही प्रिपेयर रहना उसके लिए, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मतलब कि ऑप्शन, जो कि मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है। तो गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आप लोगों को मेरी वीडियोज मिलती रहेंगी। सो यस, आप मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हो, उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।